से आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवभूमि हिमाचल पर। तो हमने पिछली वीडियो में जो है साइकोलॉजी का सेक्शन और इंग्लिश का जो सेक्शन था एचपी टैट जो नवंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उसका हमने डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम सेक्शन 3 जो है हमारा सोशल स्टडीज़ का उसको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद जो है आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे हिमाचल जी के और एनवायरमेंट के। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। 60 क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो 61 क्वेश्चन जो है वो है आपका प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो वो थे आपके कुमार गुप्त। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 जिसमें पूछा है भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, तो ये आपके पेश किया जाता है लोकसभा में। फिर है क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी को पता है कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने जो है अपनी सर की उपाधि जो है वापस कर दी थी, तो वो आपकी की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्न में से किसके पास सर्वाधिक मनसबदार थे, तो वो थे आपके औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास जो है सर्वाधिक मनसबदार थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कब हुई थी, तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और 68 क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो अवधि क्या रहती है, तो वो होती है आपकी छः वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहाँ होता है, तो वो आपका सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक आपके सैयद अहमद थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो ये आपका चंबल नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 में पूछा गया है निम्न में से कौन सी एक झील है, तो ये सुपीरियर, मिशिगन, ऑन्टेरियो, ये तीनों की तीनों ही आपकी झीलें हैं, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। देखिए, सुपीरियर, मिशिगन, ऑन्टेरियो, इरी और ह्यूरॉन, ये आपकी पांच जो झीलें हैं ये आपकी नॉर्थ अमेरिका में हैं, और इनको जो है ग्रेट लेक्स कहा जाता है, पांच झीलों का एक समूह है वहाँ पर, तो ये तीनों आपकी क्या हैं, झीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, फ्रांस कब जो है राजतंत्र से गणतंत्र बना, तो वो है आपका 1792 में। क्वेश्चन नंबर 74, नामदेव कहाँ के संत थे, तो आपके नामदेव जो है ये महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, जो आपका कैग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सीएजी, वो किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो वो आपका होता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है वो है आपका अरब प्रायद्वीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपके मोतीलाल और चितरंजन दास, तो ए और बी जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर जो है मैसिडोनिया का शासक था। क्वेश्चन नंबर 80, सलाल परियोजना किस नदी पर है, तो ये आपकी चेनाब नदी पर है सलाल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 81 आप देखिए, सन 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया, तो आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा जो है, डू और डाई का जो स्लोगन है वो दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, देखिए ये भारत का जो है सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, तो ये आपका अंडमान एवं निकोबार में स्थित है। सोन तथा नर्मदा नदियाँ कहाँ से निकलती है, तो ये आपकी निकलती है अमरकंटक से। फिर है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, तो 1966 में, जब पंजाब को अलग कर दिया गया था, अलग प्रांत बना दिया गया था, पंजाब का पुनर्गठन किया गया था, उस समय जो है दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन भी हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 85, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो वो है आपका बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 86 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड इरविन।
क्वेश्चन नंबर 87, दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो आप सभी को पता ही होगा कि असम की राजधानी है दिसपुर। विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पर है? तो ये है आपका स्कॉटलैंड में, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? तो आपको पता है कि विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 90, वीटो किस भाषा का शब्द है? तो ये है आपका लैटिन भाषा का शब्द। क्वेश्चन नंबर 91, अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की है? तो अशोक के शिलालेखों की सर्वप्रथम जो व्याख्या है वो जेम्स प्रिंसेप ने की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। देखिए, अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया होता तो आपका आंसर होता सरोजनी नायडू, लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा है तो वो थी आपकी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय नहीं थी, इसलिए अगर यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला पूछा होता तो आपका सरोजनी नायडू सही आंसर होता। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो आपको पता है अशोक ने जो है सांची का स्तूप बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 94, प्रसिद्ध गणगौर उत्सव जो है किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका राजस्थान में मनाया जाता है गणगौर उत्सव। 95 जो है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति जो है देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। और सत्यशोधक समाज जो है वो किसने बनाया था? तो ज्योतिबा फुले ने जो है सत्यशोधक समाज बनाया था। क्वेश्चन नंबर 97 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना संबोधन एवं त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है लोकसभा के उपसभापति को, ठीक है। गोवा जो है भारतीय गणतंत्र का अंग कब बना? तो 1961 में जो है गोवा भारतीय गणतंत्र का अंग बना था। इनमें से हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज जो है 1909 में महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिशों के लिए अशोक मेहता कमेटी का गठन किया गया था? तो जो अशोक मेहता कमेटी है वो पंचायती राज व्यवस्था के लिए इसका गठन किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101 जो है, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो ये है आपका कर्नाटक का शिव समुद्रम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, भारत में किस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो आप सभी को पता है अलूवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, तीस्ता जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा कि सिक्किम में तीस्ता जो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। अब क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, और जो आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 105, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है लोनार, ठीक है। और 106 क्वेश्चन नंबर 106, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो है चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 107 देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है आपका अफ्रीका महाद्वीप। भारतीय स्वशासन का पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतीय स्वशासन का पितामह जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है लॉर्ड रिपन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, लीडर समाचार पत्र जो है इनका संबंध किस महान स्वतंत्रता सेनानी से है? तो इनका जो संबंध है ये है आपका MM मालवीय से, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। इन्होंने जो है लीडर समाचार पत्र जो है वो चलाया था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 110, सुदीर्मन कप का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका बैडमिंटन से संबंधित है सुदीर्मन। फिर है आपका, प्रसिद्ध नील विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो नील विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। और विजय शासक कृष्ण देवराय किसके समकालीन थे? तो ये थे आपके बाबर के समकालीन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 113, पूर्णा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? पूर्णा जो है ये आपकी ताप्ती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है पूर्णा, ठीक है। गंगा 101 और रंजीत दक्कन किस उपज की विविधता है? तो ये है आपकी मक्का की, ठीक है। मक्का की वैरायटीज़ हैं आपकी गंगा 101 और रंजीत दक्कन। फिर है, विश्व के किस देश ने वनों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये उस समय जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो उस समय जो है नॉर्वे देश ने जो है वनों को काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। फिर आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? तो ये आपका 2010 में स्थापित किया गया था NGT।
मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो ये भी उस समय जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था। मिशन इंद्रधनुष जो है ये वैक्सीनेशन से संबंधित है, आपके टीकाकरण से संबंधित है। वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन है, तो उस समय ये भी उस समय जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था। देखिए आपको अब एचपी टेट में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, तो आपको थोड़े बहुत ये पढ़ के जाने हैं कि कौन गृह सचिव है और कौन मंत्री, किस मंत्री को जो है कौन सा पदभार संभाला गया है। ठीक है, तो उस समय वर्तमान उस समय जो भारत के गृह सचिव हैं वो थे आपके अजय कुमार भल्ला। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 119, प्रसिद्ध शहर दार्जिलिंग किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि दार्जिलिंग जो है आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है, और दार्जिलिंग की जो चाय है इसको जो है भारत में पहला जीआई टैग भी दिया गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो जो परमाणु परीक्षण विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है आपका, नानावती आयोग किससे संबंधित है, तो ये सिख विरोधी दंगों से संबंधित है नानावती आयोग। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो ये हुई थी आपकी 1993 में। देखिए अब जो है हम सेक्शन 4 की तरफ चल पड़े हैं, और सेक्शन 4 जो है आपका ये जनरल अवेयरनेस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं। ठीक है, अभी तक जो है हमने सोशल स्टडीज़ के 60 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम जनरल अवेयरनेस और एनवायरमेंट स्टडी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 123 में हम पहुंचे हैं, 123 है, वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, ये भी उस समय जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो है मंत्री चेंज भी होते रहते हैं, तो आप अब खुद से देख के जाइएगा कि अब कौन से मंत्री, किस राज्य के कौन से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री जो थे वो थे आपके भूपेंद्र भाई पटेल। कानू सान्याल किस आंदोलन से संबंधित है, तो कानू सान्याल जो है ये आपका नक्सलवाद से संबंधित है कानू सान्याल। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 125, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो ये है आपकी स्मृति मंधाना। क्वेश्चन नंबर 126, देखिए कौन सी संस्था भारत में डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म संचालित करती है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आया था, तो ये आपकी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127, कौन से देश तीसरे विश्व के नाम से जाने जाते हैं, तो विकासशील जो देश हैं आपकी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको जो है तीसरे विश्व के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 128, देखिए भारत में बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था, तो ये क्वेश्चन जो है हमने प्लस टू में भी पढ़ा था कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा था उसको गिरा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, देखिए वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, ये भी अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय। ठीक है, तो उस समय जो है भारत में जो शिक्षा मंत्री है वो चेंज हो गए थे। देखिए पहले जो है रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री होते थे, ठीक है, तो सबने जो है रमेश पोखरियाल ही टिक किया था, लेकिन उसी समय जो है धर्मेंद्र प्रधान चेंज हो गए थे शिक्षा मंत्री, इसलिए ये क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया था, तो धर्मेंद्र प्रधान जो है आपके शिक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 130, देखिए आयराम और गयराम की राजनीति कब शुरू हुई, तो कहाँ से शुरू हुई, तो ये आपकी जो है हरियाणा से शुरू हुई थी आयराम और गयराम। क्वेश्चन नंबर 131, देखिए हिमाचल प्रदेश का प्रथम कॉमेडी सीरियल कौन सा था, तो ये था आपका प्रिंस का पिटारा। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। क्वेश्चन नंबर 133, देखिए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है, तो ये है आपके राम सुभंग। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है, तो वो आपकी चंबा की साक्षरता जो दर है, लिटरेसी रेट जो है वो चंबा का सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 135, देखिए निम्न में से किस जिले में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो वो होता है आपका सिरमौर में। आशियान की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो हुई थी आपकी 1967 में। क्वेश्चन नंबर 137, देखिए बोडो समस्या किस राज्य से संबंधित है, तो आपको पता है कि बोडो जो जनजाति है वो असम की जनजाति है, तो बोडो समस्या भी असम से रिलेटेड ही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था, तो ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था 1984 में। कालेलकर आयोग स्थापित किया गया था, तो जो कालेलकर आयोग है ये आपका स्थापित किया गया था जनवरी 1953 में। फिर क्वेश्चन नंबर 140, देखिए भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन 141, देखिए नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था, तो ये आपका शुरू हुआ था गुजरात में।
धारा 370 को कब समाप्त किया गया, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो ये हुआ था 5 और 6 अगस्त 2019 को, जो है धारा 370 आर्टिकल जो 370 है उसको जो है हटा दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे आपके ऋषभनाथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, निम्नलिखित में से कौन आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल के नाम से जाना जाता है, तो वो आपके डॉक्टर YS परमार है, जिनको आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, पहाड़ी चित्रकला नामक किताब के लेखक कौन है, तो वो है आपके किशोरी लाल वैद्य। 146 देखिए, हिमाचल का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो वो है आपका यमुना पुल पौंटा साहिब। हिमाचल पोलेंड्री नामक किताब के लेखक कौन है, तो ये है आपकी DN मजूमदार। इन्होंने जो है हिमाचल पोलेंड्री नामक जो बुक है वो लिखी है हिमाचल पे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस नदी का जो आयात है वो सबसे अधिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है वो सबसे लार्जेस्ट रिवर है आपकी चेनाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखिए, हिमाचल प्रदेश से प्रथम सेना प्रमुख कौन थे, तो वो थे आपके जनरल VN शर्मा। क्वेश्चन नंबर 150 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। ठीक है, तो कांगड़ा जिला कब बना था, तो कांगड़ा जिला आपका 1 सितंबर 1972 को बना था। ठीक है, तो ये था आपका HP TET जो नवंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ था HP TET का, ये वो पेपर है जो हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी जो है हेल्प हो सके HP TET के लिए। और अगर आपको HP TET से रिलेटेड कोई भी और अन्य जानकारी चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं nishablp09@gmail.com पे, और या फिर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।